सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। भारत ने कुवैत को हराकर खिताब अपने नाम किया। फाइनल का नतीजा पेनल्टी शूटआउट में निकला। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत हासिल की। खिताबी मैच बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में खेला गया। ये भारत का कुल 9वां और लगातार दूसरा सैफ चैंपियनशिप खिताब है। इसके पहले भी भारत साल 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 और 2021 में यह खिताब अपने नाम कर चुका है। इसके अलावा भारत 4 बार इस चैंपियनशिप का उपविजेता भी रह चुका है। सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का यह 14वां सीजन था, जो 21 जून से शुरू होकर 4 जुलाई तक बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में खेला गया। यह प्रतियोगिता दक्षिण एशियाई देशों की राष्ट्रीय टीमों के बीच होती है। यह हर 2 साल में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। सैफ का गठन 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके किया गया था। सैफ सचिवालय वर्तमान में ढाका, बांग्लादेश से संचालित होता है। मौजूदा वक्त में काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन 2009 से सैफ के अध्यक्ष हैं। सैफ वर्तमान में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। हालांकि सैफ के सिग्नेचर टूर्नामेंट को ही सैफ चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है और यह हर सदस्य संघ की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम द्वारा खेला जाता है।